आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे मुराग पंचायत के सुराखट में एक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किसी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, जो लुधियाना बेस्ड कंपनी है और इसका जो कार्यालय हिमाचल प्रदेश के अंदर कहते हैं कि हमीरपुर में है, उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को एक नोटिस दिया पुलिस के माध्यम से, जिस बारे में हम कई दिनों से देख रहे थे कि सुराखट में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए, वहाँ पर उनकी मांग थी, हमारे जो स्थानीय हमारे विधायक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, जो प्रदेश में आजकल मुख्यमंत्री है, उनसे उन्होंने कई बार अनुरोध भी किया कि सुराखट में जो है इस तरह के पावर प्रोजेक्ट का निर्माण ना किया जाए, क्योंकि उस खड के अंदर जितने भी लोगों के जो ज़मीन है जिसके लिए वहाँ के उस पानी की जरूरत पड़ती है और बीच में जो उनके जो घराट पड़ते हैं वो जो है बंद हो जाने हैं, और पावर प्रोजेक्ट बनने से वहाँ के लोगों को बहुत से जो नुकसान हो रहे हैं, जो टनल उसमें पड़नी है उस टनल से जो है वहाँ की ज़मीन धंसने का जो खतरा है उसके बारे में काफ़ी समय से मुझे लगता है कि 10 साल पहले से ही कोर्ट में भी ये मामला चला हुआ था, और आजकल जो सत्ता के प्रभाव के चलते जिस कंपनी ने वहाँ पे जो टेंडर लिया है काम करने का, उस सत्ता का प्रयोग करते हुए उन लोगों को वहाँ से खदेड़ना चाहते हैं। हमने आज यहाँ पर जंजैहली के SDM कार्यालय में SDM महोदय को एक ज्ञापन सौंपा कि सरकार इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई करे और उन लोगों को जो उनकी मांग है कि वहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट ना बनाया जाए, हम भी उनका समर्थन करते हैं कि वहाँ पे इस तरह का पावर प्रोजेक्ट ना बनाया जाए, क्योंकि 12-13 साल पहले जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पावर प्रोजेक्ट चलाने का जो काम था, आज वो स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं, क्योंकि इसका जितना जागता उदाहरण किन्नौर के अंदर है, किन्नौर के अंदर जितने भी पावर प्रोजेक्ट बने हुए आज लोग उस चीज़ से भुगत रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी वहाँ पे टनल निकाले गए हैं, जो वहाँ पे सुरंग निकाले हैं, एक जगह से पानी अंदर डाल के कहीं बहुत दूर दूसरी जगह पे उसको आउटलेट में डाला गया है, तो उससे वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जैसा हाल ही के इस बार की बरसात में वहाँ पर बड़े बड़े स्लाइड्स हुए जिसमें हमारे HRTC की बस के अंदर जितने लोग थे सब उसमें मारे गए थे, और उसी तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगह हो रही है, चाहे कुल्लू के अंदर की बात है, चाहे किन्नौर के अंदर की बात है। ठीक वैसी ही बात, अगर बिजली का उत्पादन करना ही है तो क्यों ना किसी और नए तरीके से, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर और जगह किया जा रहा है, कौन से वो तरीके यहाँ नहीं किए जा सकते। हमारी ये मांग है कि इस पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को इसको बंद करके लोगों की मांग को सुना जाए, अन्यथा हम भी उन लोगों के साथ इस हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।